नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं एशियन 24। रुक कर लेते हैं अभी तक की अहम खबरों पर। रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक में 5 जनवरी 2018 को खमरिया गांव में जन सुनवाई के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में एक बार फिर से प्रभावित ग्रामीणों ने काला दिवस मनाने के लिए गारे गांव में एकत्रित हुए, जहां एक स्वर में सभी ने जीतेंगे लड़ेंगे, ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा, नारी शक्ति जिंदाबाद के नारे लगाए। रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक में 5 जनवरी 2018 को खमरिया गांव में जन सुनवाई में हुए लाठीचार्ज के विरोध में एक बार फिर से प्रभावित ग्रामीण काला दिवस मनाने के लिए गारे गांव में एकत्रित हुए। साथ ही एक स्वर में जीतेंगे लड़ेंगे, ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा, नारी शक्ति जिंदाबाद के नारे लगाए। आसपास के ग्रामीण सहित उड़ीसा झारखंड से आंदोलनकारी, वहीं ग्रामीण मोमबत्ती जलाकर काला दिवस मनाया गया। साथ ही गारे, कोसमपाली, पेलमा, कुंजेमुरा सहित आसपास के ग्रामीणों सहित झारखंड व उड़ीसा से भी आकर सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचकर अपना वक्तव्य रखा, जिसमें डीएमएफ फंड को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें चर्चा में ग्रामीणों ने बंद पड़े खदानों में एकत्रित पानी को पीएम फंड की सहायता से बाहर निकालकर किसानों के खेतों में उपयोगी, साथ ही तालाब खोदकर उसमें पानी डालकर मछली पालन करने की रायशुमारी बनाई। साथ ही लघु वनोपज महुआ चार तेंदू को संग्रहित कर उत्पाद तैयार कर बेचने की भी योजना बनाई गई, जिसको लेकर सरकार से इसकी मांग की जाएगी। साथ ही रायपुर से भी ड्रिप इरिगेशन के सलाहकार आए थे, जिन्होंने पानी के उपयोग को किस तरह काम में लाकर खेती कर सकते हैं, इसकी भी सलाह दी। साथ ही प्रस्तावित कोल ब्लॉक गारे पेलमा 4/6 पर सामूहिक खेती के लिए एक बड़ी रणनीति ग्रामीणों ने मिलकर बनाई। ये सन 2008 में जन सुनवाई हुआ खमरिया में जिंदल की तरफ से। वो जन सुनवाई में हम लोग अपना जमीन को नहीं देंगे, जमीन को हम लोग कमा खा करके जीते हैं, हमारे पुरखों से चला आ रहा है, हम जमीन को नहीं देना है, ऐसे खा करके हम लोग बोले। तो उसके बाद में भगदड़ मच गई वहाँ, और जिंदल के गुंडों की तरफ से हम लोग को पत्थर ढेला से मारा गया, जिसमें बाद में पुलिस ने हम लोगों को लाठीचार्ज किया, जिसमें हम लोग 200 आदमी घायल हुए, और ऐसे घायल भी हुए कि बहुत मरना संघ के तरफ हो गए। तो बहुत आदमी को तो रायगढ़ हॉस्पिटल भी लेके गया, और बहुत आदमी को तमनाड़ हॉस्पिटल में प्रारंभिक उपचार बाद छोड़ दिए। उसके बाद में हमारे गांव वाले हमारे गांव को हमारे ज़मीन के लिए हमको मार पड़ा है कहा करके ये लोग ने चक्का जाम कर दिए हुकरा चौक में, और हुकरा चौक में चक्का जाम किए ना, तो उसमें हमारे आदमी को 200 आदमी को गिरफ्तार किया गया और अरेस्ट करके ले गया, अनेक थाना में रखा गया। और जब सरकार की तरफ दबाव जब बनी तो उसके बाद में रात भर उन लोगों को रखा, और रात भर रखने के बाद में उन लोगों को सवेरे गांव में पहुंचा दिया गया। तो उसमें हम लोग गांव में फिर विचार गोष्ठी किए कि भाई हमारा ज़मीन हम नहीं देंगे कहा करके बोल रहे हैं, और इसमें हम लोगों को लाठीचार्ज हो रहा है, तो हम लोग क्यों ना कहने का मतलब ये जिंदल कंपनी के विरोध में हम लोग हंगामा करें और करते रहें, ऐसे सोच करके हम लोग ने हंगामा शुरू किया। और तब से हंगामा शुरू चलती रहा, और जो 5 जनवरी 2008 को जो हम लोगों को जो मार पड़ा, तो हम लोग उस दिन को काला दिवस के नाम से समझते हैं, और काला दिवस समझ करके अपना सन आज 2008 से आज तक कहने का मतलब 10 साल हो गया काला दिवस मना रहे हैं। आज का दिन हम लोग बोलिए काला मानते हैं। आज हमारे साथियों ने आया है तो इसको अब काला दिवस मत कहो, इसको उजेला दिवस समझो, ऐसे कहा करके हम लोगों को बताया गया है। मैं राजेश कुमार, प्रीमियर इरिगेशन, रायपुर से आया हुआ हूँ, और मैं यहाँ अभी जो तमनार ब्लॉक में है, जो पानी अभी गैदरिंग हुआ है खदान के कारण, तो इस पानी को हम लोग यूटिलाइज करेंगे और किसानों को अधिक से अधिक उपयोग कराने के लिए वो कर रहे हैं। जिसमें क्या है, खदान में जितना पानी स्टोरेज हुआ है उसको लिफ्ट करना है, रिजर्वायर बनाना है, और रिजर्वायर बनाने के बाद उसको इरिगेशन के लिए फैसिलिटीज दिया जाएगा, पाइपलाइन के थ्रू उसको खेतों तक पानी पहुंचेगा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप वैल्यू ले सकते हैं। और इसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर भी हम लोग यूज़ करने के लिए सोचे हैं, ताकि आगे चल के किसान क्या है कि लेबर वगैरह का कॉस्टिंग का बचत हो, और अच्छा से अच्छा वैल्यू वो प्रॉफिट का। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, एशियन 24।